ट्यूबरेज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, हाउ टू एक्सपोर्ट टू माल्टा, आप कैसे इंडिया टू माल्टा एक्सपोर्ट कर पाओगे, उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा माल्टा एक यूरोपियन कंट्री है, कहाँ पर लोकेटेड है माल्टा, उनका जो करेंसी के बारे में, उनका कैपिटल के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, उनका सी पोर्ट्स एयरपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे और क्या क्या प्रोडक्ट माल्टा एक्सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट करता है, और क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया का एक्सपोर्टर्स माल्टा को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस बारे में बताऊंगा, और कैसे आपको माल्टा से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा उस बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो, हाउ टू एक्सपोर्ट टू माल्टा। सो माल्टा एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, ये जो कंट्री है मेडिटेरियन सी में लोकेटेड है। मैं आगे बताऊंगा मैप में कहाँ पर लोकेटेड है। सो माल्टा जो है छोटा सा आइलैंड कंट्री है। 1964 तक ये माल्टा ब्रिटिश कॉलोनी था, ब्रिटिश का अंडर में था। 1964 में ब्रिटिश से उनको आजाद मिला, इंडिपेंडेंट मिला, तब से लेकर अब तक माल्टा एक वन ऑफ ए डेवलप रिच कंट्री है माल्टा। और 2004 में माल्टा को यूरोपियन यूनियन का एक मेंबरशिप बना गया, और इसीलिए माल्टा में अभी यूरो करेंसी चल रहा है, ठीक है। और माल्टा का जो पॉपुलेशन है करीब 530,000 के करीब पॉपुलेशन है वहाँ का, और लैंग्वेज है, टू लैंग्वेज वहाँ बोला जाता है, माल्टीज और इंग्लिश, ठीक है। और इंडियंस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, 3,000 के ऊपर वहाँ इंडियंस रहते हैं, काम करते हैं। तो इंडियंस वहाँ काम क्या करते हैं उसके बारे में बताऊँगा। सो माल्टा के बारे में आपको बता दिया, माल्टा कहाँ पर लोकेटेड है उनका जो मैप में आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पर लोकेटेड है माल्टा देख लीजिए। तो देख लीजिए माल्टा का जो मेडिटेरियन सी में एक छोटा सा आइलैंड है, साउथ में है लीबिया, इजिप्ट और तुनिसिया, ठीक है। लीबिया, इजिप्ट और साउथ ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट में है तुनिसिया, ठीक है। नॉर्थ में है ग्रीस और इटली, ठीक है। आप देख सकते हैं मेडिटेरियन सी में लोकेटेड है माल्टा। सो आपको मैंने दिखा दिया कहाँ पर लोकेटेड है माल्टा, मैप में दिखा दिया, ठीक है। सो माल्टा के बारे में और एक डिटेल्स में बताऊंगा। माल्टा काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है और एक्सपोर्ट करता रहता है, क्योंकि माल्टा 1964 में जब ब्रिटिश से उनको इंडिपेंडेंट मिला, आज़ाद मिला, तब से लेकर माल्टा इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया, एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया, ठीक है। इसीलिए माल्टा को इमिडिएटली 2004 में मेम्बरशिप मिल गया यूरोपियन यूनियन का। तो माल्टा में क्या क्या इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है, माल्टा में सर्विस इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि माल्टा छोटा सा देश है और सब जितने सारे रॉ मटेरियल लगता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए माल्टा के पास नहीं है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो रॉ मटेरियल्स माल्टा, इजिप्ट, लीबिया और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, इंडिया और चाइना से इम्पोर्ट करता रहता है। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कितने सारे इंडस्ट्रीज है माल्टा के पास जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, एक्सपोर्ट करता है। मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ मैं इंडस्ट्रीज के बारे में, मैप में दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज माल्टा के पास है जो उनका इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है और जॉब दिला रहा है और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी कर रहा है। तो देख लीजिए द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन माल्टा। तो डिटेल्स में आपको मैं दिखा रहा हूँ माल्टा का इंडस्ट्री के बारे में, आप देख लीजिए पूरी डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ। पहला है फूड एंड बेवरेज है, टोबैको है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, ठीक है, लेदर गुड्स है, वुड है, वुड प्रोडक्ट है, पेपर है, पब्लिशिंग, रबर, केमिकल्स, मशीनरीज, काफ़ी सारे प्रोडक्ट का लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए जो माल्टा का ये इंडस्ट्री है। सो आपको मैंने लिस्ट दिखा दिया, माल्टा का डिटेल्स दिखा दिया, माल्टा का पास कितना सारा इंडस्ट्री है, क्योंकि माल्टा जब इंडिपेंडेंट मिलने के बाद वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दिया, एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया, और आज के तारीख में माल्टा के पास
इतने सारे फैक्ट्रीज है, इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उनके पास खुद का मैन पावर नहीं है काम करने के लिए, क्योंकि उनका खुद का जो मैन पावर है वेस्टर्न यूरोप में जाके काम कर रहे हैं, अमेरिका कनाडा में काम कर रहे हैं। इसलिए माल्टा आउट ऑफ उनका कंट्रीज है, यानी इंडिया, एशियन कंट्रीज है, मिडल ईस्ट, अफ्रीका से ज़्यादा लोग जाके माल्टा में काम कर रहे हैं, लाख्स के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास खुद का मैन पावर का कमी है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, नौकरी ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा माल्टा के पास कितने सारे एयरपोर्ट्स हैं, कितने सारे सी पोर्ट्स हैं जो माल्टा को मदद करते हैं उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। देख लीजिए द लिस्ट ऑफ सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स ऑफ माल्टा। तो देख लीजिए स्क्रीन में कितने सारे एयरपोर्ट है और कितने सारे सी पोर्ट्स हैं उनका। माल्टा का जो सी पोर्ट है, तीन सी पोर्ट है, माल्टीज पोर्ट है, वालेटा है, ठीक है, वालेटा जो है उनका कैपिटल है। तो देख लीजिए तीन सी पोर्ट है और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, माल्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप देख लीजिए तीन सी पोर्ट्स है और एक एयरपोर्ट से आप देख लीजिए। तो जैसे आपको बता दिया माल्टा का सी पोर्ट एयरपोर्ट के बारे में, अगर आप इंडिया टू माल्टा भाई सी कार्गो में भेजना चाहते हो तो पहले आप गूगल में सर्च कर लीजिए द लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज, द लिस्ट ऑफ सी कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू माल्टा। आपको इंडिया का काफ़ी सारे कंपनीज दिखाई देंगे जो इंडिया टू माल्टा भाई सी कार्गो का ऑपरेटिंग करते हैं, सी कार्गो का शिपिंग कंपनी के साथ ऑपरेटिंग करते हैं, तो वो आपको प्राइस बता देंगे। तो आप इंडिया का कोई भी पोर्ट हो, आप माल्टा का कोई भी पोर्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपको प्राइस मिल जाएगा कंटेनर का प्राइस। अगर आपको प्राइस सूट करता है तो आप इंडिया टू माल्टा बाई सी कार्गो में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो गूगल में जाके आप cargoport.com indiaportal.in सर्च करके आपको प्राइस पता चल सकता है और आप कंटेनर भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। अगर सी कार्गो में आपको माल्टा एक्सपोर्ट करना है तो आपको मैं बता दिया कैसा करना है, आपको प्राइस मालूम पड़ जाएगा, कंटेनर का प्राइस मालूम पड़ जाएगा, फिर इंडिया का कोई भी पोर्ट हो माल्टा आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एयर कार्गो में करना चाहते हो तो इंडिया का कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो माल्टा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाई एयर कार्गो। गूगल में सर्च कर लीजिए एयर कार्गो ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू माल्टा, आपको काफ़ी सारे एयर कार्गो ऑपरेटिंग कंपनी दिखाई देंगे। आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आप इंडिया का कोई कौन सा एयरपोर्ट टू माल्टा भेजना चाहते हो, वो आपको प्राइस बता देंगे, फिर आप उनको पेमेंट करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को माल्टा भेज सकते हैं, ठीक है। या कितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट करते हैं इंडिया टू माल्टा वाया दुबई वगैरह, वाया दुबई और वाया अफ्रीका, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। आप इन्हीं एयरलाइंस का कार्गो सेक्शन को लिखिए कि आप इंडिया टू माल्टा एयर कार्गो में प्रोडक्ट भेजना चाहते हो, वो आपको प्रोडक्ट बता देंगे, प्राइस बता देंगे, ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, कैसा कौन सा माध्यम से आप एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है। अभी आपको मैं बताऊंगा इंडिया यानी इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट माल्टा को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू माल्टा। सो द मेन प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट टू माल्टा आर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, फाइन केमिकल्स, मरीन प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग और ड्रग्स है यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक एग्रोकेमिकल्स है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, अदर कमोडिटीज, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट एंड पार्ट्स ऑफ देयर ऑफ पेपो प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक केमिकल्स है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए स्क्रीन में इंडिया एक्सपोर्ट्स टू माल्टा। सो मैंने डिटेल्स आपको दिखा दिया क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू माल्टा, आप उस हिसाब से मेरा प्रोडक्ट इतने सारे दिखा दिया स्क्रीन में, आप रेडी होके आप तैयार हो जाइए, फिर उस हिसाब से आप रेडी करके आप क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे माल्टा को, तो आप रेडी करके आप एयर कार्गो या सी कार्गो कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, शिपिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट करके माल्टा आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो अभी आप बात आएगा कि कैसे आपको माल्टा से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। फिलहाल अगर आप माल्टा ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो इंटरनेट में सर्च करिए, इंटरनेट में काफ़ी सारे माल्टा में कंपनीज आपको मिलेगा, तो आप उनको कॉन्टैक्ट करके माल्टा इंडिया टू माल्टा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको अभी दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ माल्टा, जहाँ से आपको मदद मिलेगा इंटरनेट से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर पा सकते हैं, आप देख लीजिए स्क्रीन में। तो ये B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस और बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ माल्टा, yellow.com.nt, ठीक है, maltabusinessbook.com है, इम्पोर्टेंट है, और माल्टा सुपर मार्केट, बहुत सारे आपको वेबसाइट में दिखा रहा हूँ, ये माल्टा का इंटरनेशनल
वेबसाइट से और इम्पोर्टेंट वेबसाइट से मलता का, आप देख लीजिए, मैं डिटेल्स में आपको दिखा रहा हूँ। सो जैसे आपको मैंने बता दिया, दिखा दिया आपको कितने सारे वेबसाइट है, इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ मलता, इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स, इम्पोर्टेंट मैगजीन्स एंड इम्पोर्टेंट बी टू बी ट्रेड पोर्टल्स और इम्पोर्टेंट येलो पेजेस ऑफ मलता, जो आपको मदद करेगा मलता से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। जब जितने सारे साइट्स आपको दिखा दिया, आप क्या करिए, हमारा जो वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर लीजिए, स्टॉप करके आप जितने सारे साइट्स को आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटबुक में नोट कर लीजिए, लिस्ट कर लीजिए, फिर आप वन बाय वन साइट को आपका कंप्यूटर या लैपटॉप में खोलिए, देख लीजिए साइट क्या है, और अगर ये साइट बी टू बी ट्रेड पोर्टल से, येलो पेजेस से या क्लासिफाइड वेबसाइट से, आप इनमें रजिस्टर करके आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ऐड कर लीजिए, ताकि मलता में जितने सारे लोग इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर, ट्रेडर्स, जितने सारे लोग हैं इन्हीं साइट्स के ऊपर आके सर्च करते हैं बिजनेस के लिए। अगर सर्च के टाइम में आपको उनको आपका कंपनी दिखाई दिया, वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इम्पोर्ट के लिए, ठीक है। और अगर आप आपके पास बजट है, पैसा है, तो आप इन्हीं साइट के होम पेज में जाके आप रजिस्टर करके कंपनी को लिखिए, साइट को लिखिए कि आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो आपको प्राइस बता देंगे, ईयरली 6 मंथ 3 मंथ्स का प्राइस बता देंगे। आप इन्हीं वेबसाइट का होम पेज में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ताकि वहाँ का जो लोग जब सर्च करने आते हैं, पढ़ने आते हैं इन साइट को, आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, वो आपको क्लिक करके आपको वेबसाइट में जाएंगे, फिर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया इन्हीं साइट के जरिए आपको कैसे मलता से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। तो डिटेल्स आपको बता दिया, मलता में इंडियन एम्बेसी को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मलता में एक्सपो होता है, आप जाके वो एक्सपो में भाग ले सकते हैं अगर आपके पास बजट है। सो मलता में एक्सपोर्ट में भाग लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा भाग लोगे, तो आपको वहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। जैसे आपको बता दिया, मलता में काफ़ी सारे करीब 20 के ऊपर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, बड़े बड़े वेराइटी जो फैक्ट्रीज है, 20 इंडस्ट्रीज है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स मलता इंपोर्ट करता रहता है। तो मलता एक बार आप जरूर विजिट करिए, वहाँ पर एक दो महीना रुकिए, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। मलता में ज़्यादा होटल से, रिसोर्ट से, कैफे से, बार से, और इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड वाइड मलता होटल्स, रिसोर्ट्स के लिए फूड का प्रोडक्ट और उनका जो लिनन वगैरह एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते रहते हैं। तो आप मलता अगर विजिट करोगे तो वहाँ से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है, होटल से, रिसोर्ट से और रेस्टोरेंट, कैफे से, ठीक है। तो मैं डिटेल्स आपको बता दिया मलता कैसे एक्सपोर्ट करोगे, मलता से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। सो डिटेल्स आप देख लीजिए, जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया उसमें रजिस्टर करके आपका कंपनी को ऐड करके आप कंपनी को ढूंढना शुरू कर दीजिए, कंपनी को ईमेल करना शुरू कर दीजिए। तो डिटेल्स आपको बता दिया कैसे मलता से इम्पोर्ट ऑर्डर मिलेगा, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, और कैसे आप मलता में मलता को एक्सपोर्ट कर पाओगे। अगर आपके पास बजट है, पैसा है, तो आप मलता में जाके वहाँ से मार्केटिंग कर सकते हैं या एक्सपो में भाग ले सकते हैं, या अगर आप फिलहाल आप जा नहीं सकते हैं तो इंटरनेट के जरिए आप कंपनी को कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दीजिए। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। हमारा वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।